तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा, वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। बिल पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। बिल पर लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 साल जेल में रहे, वो कानून अब तक चलता रहा। मैंने राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया है, क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है, अगर देश की सुरक्षा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसे के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होगी। जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूर परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड इसकी जगह, जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998 इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। कई लोगों को मैं इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के बाद मिला हूं। आज तो यहां पर बोलने के लिए तो बैठे नहीं है, परंतु मुझे कहते क्या फर्क पड़ेगा, सुनते तो मालूम पड़ते कि फर्क क्या पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, एक बेजान मुर्दा पड़ा है और अगर उसमें आत्मा होती है तो जिंदा इंसान बनता है। इतना आमूलचूर परिवर्तन हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का अंदर आना है।